हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम बताएंगे कूलिंग टावर कितने तरह के होते हैं और कूलिंग टावर का रेंज कैसे निकाला जाता है, कूलिंग टावर का अप्रोच कैसे निकालते हैं, वो एक एक करके हम जानेंगे। ऑलरेडी आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल भी बताया था डायरेक्ट कूलिंग टावर के पास ले जाकर कि ये देखिए कूलिंग टावर कौन सा कूलिंग टावर है। तो बेसिकली आज हम रेंज और अप्रोच के बारे में जानेंगे। कूलिंग टावर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, दूसरा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर तो अभी आपको नहीं मिलेगा देखा जाए तो, क्योंकि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, बहुत ज़्यादा जगह लेने के चलते उसको यूज नहीं किया जा रहा है। अगर पुराना सिस्टम में कहीं पर लगाया हुआ है तो अभी आपको मिलेगा देखने को, अदरवाइज अभी नया तरीका से उसको कहीं पे इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर आपको मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर मिलेंगे, और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं, एक होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। तो फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, दिखाए भी थे कि देखिए ये कौन सा कूलिंग टावर है। तो आज हम जानेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। कोई भी मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट या फर्स्ट ड्राफ्ट या नेचुरल ड्राफ्ट, तो उसका हम रेंज कैसे पता करते हैं, ठीक है, और अप्रोच कैसे पता करते हैं। तो रेंज का बेसिकली है यहाँ पर कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया है ऑलरेडी। हम बहुत इजी लैंग्वेज बनाते हैं कि हर किसी को समझ में आए, टेक्निकल तौर से बहुत कम ही बात करते हैं। अगर फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट रह जाता है, किसी तरह से समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, वरना उस पर एक वीडियो हम बना देंगे। चले फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि आपको बोले, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर वाटर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर। तो रेंज देखिए यहाँ पे है, तो रेंज कूलिंग टावर इनलेट टेम्परेचर एक नॉर्मली मान लिए हैं किसी तरह के, आप डिफरेंस भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 34 ही मिलेगा। इनलेट टेम्परेचर मतलब कि कंडेंसर का जो आउट होता है, चिलर से जो चिलर में जो कंडेंसर रहता है ना, कंडेंसर का जो आउट करता है वो कूलिंग टावर का इन होता है। तो यहाँ पर सीटी मतलब कूलिंग टावर इनलेट टेम्परेचर माइनस कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर, तो इन कर रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और उसके बाद वो अपना कूलिंग टावर प्रोसेस करते हुए उसको ठंडा करके पानी को 28 डिग्री सेंटीग्रेड में कर देता है उसको। तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस निकलेगा उसको रेंज कहते हैं। जैसे कि अभी सॉरी दिस वन इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड इज रेंज हो गया इसका, क्योंकि ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड इन एंड आउट 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो रेंज है उस कूलिंग टावर का वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा। अब हम आते हैं अप्रोच की ओर। अप्रोच इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर माइनस एम्बियंट वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर, कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर कितना है हमारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये ले लीजिए। एम्बियंट वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी एक हम वीडियो बनाए हैं साइक्रोमीटर का, उसमें अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर निकालने के लिए, तो सीधा साइक्रोमीटर में जो कपड़ा लगाया रहता है, जो गीला रहता है, उसको वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो आपको नॉर्मली एम्बियंट टेम्परेचर मतलब कि अपना एयर कंडीशनिंग रूम के बाहर का टेम्परेचर, जैसे अभी जहां पर कूलिंग टावर लगा हुआ है तो उस एरिया का जो रहेगा एटमोसफेयर, उस एरिया का आपको टेम्परेचर लेना है जो एम्बियंट वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। तो उसका टेम्परेचर एक निकाले मान लीजिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक हम उदाहरण ले लिए हैं, वहां पे आप रियल में चेक करेंगे तो कुछ डिफरेंस वैल्यू मिलेगा, बट सेम लाइक इस तरह से ही आपको निकालने का है। 28 डिग्री इसका आउट कर रहा है हमारा कूलिंग टावर का, और एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर जो हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये दो बीच के जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारा अप्रोच कहलाएगा। तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा अप्रोच हो गया। तो इस तरह से आप कूलिंग टावर का रेंज एंड अप्रोच निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, कितना टन का है, कैसे है, वो बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वेपोरेटर का अप्रोच कैसे निकालते हैं और कितना से कितना रखा जाता है, और एवोपरेटर का अप्रोच निकाला क्यों जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर कंडेंसर का अप्रोच कैसे निकालते हैं, उसको क्यों निकाला जाता है,
तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर आप दबाएं, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, तो आज का हमारा बस यही टॉपिक था, रेंज एंड अप्रोच और कूलिंग टावर कितने तरह के होते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर किसी तरह से डाउट नजर आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इवेपरेटर एंड कंडेंसर अप्रोच का लेकर के हम बात करेंगे।